<clears throat> Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are piloting the new topic of English grammar, which plays a pure role in English. Its name is tenses. You know that we can't ever imagine learning English without tenses.

Continuous या प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे कि हर जमाने की चार किस्में होती है और जमाने तीन है इस तरह से बारह जमाने हो जाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट इसी तरह से पास्ट के चार होंगे पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इसी तरह से फ्यूचर की भी चार होंगे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस क्या होता है और इसकी तारीफ क्या है लेट्स लर्न आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जैसे कि आप जानते हैं कि कायनात में अठारह हजार मखलूकत है और अट्ठारह हजार मखलूक अपनी आदात व फितरत के मुताबिक हरकत करती है उन्हीं की आदात व फितरत को बयान करने के लिए हम जिस जमाने का सहारा लेते हैं या जिस जमाने में हम बयान करते हैं या जिस जुमले में हम बयान करते हैं वो होता है सिंपल टेंस या जमान हाल मुतला अब आदात तो फितरत को बयान करना है जैसे कि मछली की फितरत है तैरना तो हम उसको बयान करते हैं मछली तैरती है परिंदे की फितरत है उड़ना तो हम बयान करते हैं परिंदे उड़ते हैं और तारों की फितरत है झिलमिलाना तो हम कहते हैं तारे झिलमिलाते हैं और इंसान अशरफ होने के बायस हजारों आदात तो फितरत का मालिक होता है जैसे कि हम सोचते हैं हम बोलते हैं हम पढ़ते हैं हम लिखते हैं हम समझते हैं हम खाते हैं हम पीते हैं हम सोते हैं वगैरह वगैरह हमारी आद, हज़ारों आदत तो फितरत है तो हम अपनी आदत तो फितरत को बयान करने के लिए ज़माने हाल मुतलक का इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तसरन में इसकी तारीफ ही हो रही है कि जैसे कि खाते हैं पीते हैं सोते हैं तो ऐसा काम जो जमाने हाल में गैर मुतयन वक्त में होता हो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं गैर मुतयन यानी काम हुआ ये भी नहीं मालूम होता है काम होगा ये भी नहीं मालूम होता है या काम हो रहा है ये भी नहीं मालूम होता है जैसे कि परिंदे उड़ते हैं इट्स देयर नेचर उनकी फितरत है उनकी आदत है उड़ते हैं अभी नहीं उड़ रहे हैं बयान करने का मकसद ना उड़े ना उड़ेंगे इससे जाहिर होता है कि वो उड़ते हैं सिर्फ तो इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है तो उर्दू में तो इसकी पहचान ता है ती है और ते हैं से करते हैं जैसे उड़ने का उड़ता है उड़ते हैं उड़ती है जैसे कि परिंदे उड़ते हैं परिंदा उड़ता है और मैना उड़ती है इससे जाहिर होता है कि वर्ब जो है एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होती है सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब होगा तो उड़ने का उड़ता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उड़ती है जब सब्जेक्ट फीमेल हो और उड़ते हैं जब सब्जेक्ट जमा हो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी में कैसा होता हुँ? वही हम सीखने जा रहे हैं हैं चलो चलते प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस टेंस या टेंस होता क्या है मैं आपको समझाता हूं और इंग्लिश में उसकी पहचान कैसी होती है ये तो मैंने आपको उर्दू में करा दिया हूं अब इंग्लिश में कैसी पहचान होती है चलो चलते सीखते हैं वीडियो के अख्तिताब में हमने आपको कुछ जुमले इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए दिए और कुछ जुमले उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए दिए उम्मीद है आप उसे हल करेंगे ताकि ये समझ में आए कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस समझे या नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा या फिर फतेह ग्रुप में जरूर पोस्ट कीजिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में जुमला सब्जेक्ट से शुरू होता है सब्जेक्ट यानी काम का करने वाला फायल उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल होती है वर्ब की पहली शक्ल ही प्रेजेंट सिंपल टेंस की खास पहचान होती है ये वर्ब की पहली शक्ल दो फॉर्म में इस्तेमाल होती है एक तो उसे कहते हैं बेस फॉर्म बेस फॉर्म यानी वर्ब की असली सूरत जैसे कि हेल्प है तो जुमले में हेल्प ही इस्तेमाल होगा और यह बेस फॉर्म इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है आई वी यू दे पीपल जैसे कि आई हेल्प वी हेल्प यू हेल्प या सब्जेक्ट जमा हो तो उसके साथ वर्ब की असली सूरत इस्तेमाल होंगी दूसरा फॉर्म होता है वर्ब का एस फॉर्म वर्ब का एस फॉर्म उसे कहते हैं कि अगर हेल्प है तो वर्ब के आखिर में एस लगा दिया जाता है हेल्प का हेल्प्स हो जाता है और वर्ब का एस फॉर्म इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा जैसे कि ही शी इट या एक नाम हामिद ये इसलिए होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उनके जुमलों में वर्ब के आखिर में एस इस्तेमाल किया जाता है तो जुमला इस तरह होगा ही हेल्प्स शी हेल्प्स इट हेल्प्स या हामिद हेल्प्स तो इस तरह होता है जुमला फिर वह की पहली शक्ल के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा या कम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा या फ्रेज इस्तेमाल होगा तो जब उसकी एग्जांपल्स आएंगी तो मैं आपको ऑब्जेक्ट भी समझा देता हूँ कम्प्लीमेंट क्या होता है जुमले वो भी बता देता हूँ और फ्रेज़ क्या होता है जुमले में ये भी बता देता हूँ तो जैसे जैसे मिसालें आएंगी मैं आपको समझाते रहूँगा इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें चलिए समझ लिए मिसालों के ज़रिए से प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इसके बेस फॉर्म की मिसाल हल करने जा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली शक्ल आई जैसे कि यहाँ दी गई सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। बर्ड्स फ्लाई इसमें बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब की पहली शक्ल है जो कि अपनी असली सूरत में आई फॉर्म में है। सब्जेक्ट जमा होने की सूरत में फ्लाई का फ्लाई रहता है प्रेजेंट सिंपल डेज में बर्ड्स फ्लाई इधर तर्जुमा होता है परिंदे उड़ते हैं परिंदे सब्जेक्ट है उड़ते हैं वर्ब है तो उड़ने का उड़ते हैं जमा होने की वजह से उड़ते हुआ इसी तरह से दूसरी मिसाल में इस्टार्स ट्विकल इस्टार सब्जेक्ट है और ट्विंकल वर्ब है सब्जेक्ट जमा होने की वजह से ट्विंकल इस्तेमाल हुआ है तारे जगमगाते हैं तो तारे सब्जेक्ट हैं और जग मंगाना वर्ब है तो जग मंगाने का वह है जग मंगाते हैं तारे जमा होने की वजह से जग मंगाते हैं वह है इस तरह बहुत सी मिसालें हमल करेंगे चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा यह समझने में आपको आसानी होगी लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स वी स्पीक इंग्लिश हम अंग्रेजी बोलते हैं वी सब्जेक्ट है जुमले में स्पीक वर्ब है इंग्लिश ऑब्जेक्ट होगा यह ऑब्जेक्ट इसलिए होगा कि जिस वर्ब पर सवाल क्या या किसको पैदा होता है तो उस सवाल का जवाब होता है ऑब्जेक्ट जैसे कि हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस चलिए देखते हैं दूसरी मिसाल द लॉयंस हंट द एनिमल शेर जानवरों का शिकार करते हैं द लॉयन सब्जेक्ट हंट वर्ब द एनिमल्स ऑब्जेक्ट होगा तीसरी मिसाल हम लेने जा रहे हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर मुनसर करती है पीपल कॉल हिम मिज़ाइल मैन लोग उन्हें मिज़ाइल मैन पुकारते हैं फिर सिंपल टेंस का जुमला है पुकारना तो उसका हुआ पुकारते हैं और इसके अंदर वी फर्स्ट इस्तेमाल हुआ है फॉर्म इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद हमेशा वी फर्स्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो होप यू अंडरस्टूड प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले में अगर सब्जेक्ट वाहिद हो और सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन हो या प्रोनाउन हो तो ऐसे जुमले के वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगता है जैसे लेट्स टेक द एग्जाम्पल कामरान वर्क्स हार्ड कामरान सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है कामरान वाहिद है और थर्ड पर्सन भी है इसलिए वर्क का हुआ वर्क कामरान सख्त मेहनत करता है दूसरी मिसाल लेते हैं मदर लव्स हर चिल्ड्रन माँ अपने बच्चों से प्यार करती है मदर सिंगुलर है थर्ड पर्सन है इसलिए लव का हुआ लफ्ज़ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है तीसरी मिसाल लेते हैं ही एब्सटेंस फ्रॉम बैड हैबिट्स अब ही सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके वर्ब के आखिर में एस लगेगा इसमें वर्ब है एपस्टेंट तो एपस्टेंट का हो जाएगा एप्सटेंस वो बुरी आदत से परहेज करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के पांच जुमले मैंने आपको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए दिए हैं ब्रेवरी कम्स फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ ब्रेवरी यानी बहादुरी शी मी इनवाई यानी हसत करना दे ऑलवेज फॉरगेट गेट देयर होमवर्क करेज हेल्प अस इन डेंजर करेज यानी हिम्मत गुड पीपल रिपेंट ऑफ देयर सीन्स रिपेंट के मान्य होते हैं पछताना और सीन्स यानी गुना इसके बाद मैं आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए दे रहा हूँ चलिए इन उर्दू के जुमलों का ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना है नंबर एक अल्लाह सब जानता है नंबर दो हम कई किताबें पढ़ते हैं नंबर तीन आबाइर और ईशा एक साथ खेलते हैं नंबर चार फूल सुबह में खिलते हैं खिलने के लिए इंग्लिश में वर्ड है B बी एल डब्लो एम ब्लूम वो मुझसे हसत करती है हसत करने के लिए वर्ड है इन ई एन वी वाई e चांद रात में नज़र आता है नज़र आने के लिए वर्ड है अपीयर तो बच्चों उम्मीद है आप इन जुमलों का ट्रांसलेशन यकीनन इंग्लिश में करेंगे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा इसके बाद हम आपको तमाम टेंसेज भी हल कराएंगे। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा चलते हैं अस्सलाम वालेकुम